गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप यू ऑल आर गुड। और आज मेरे घर पर एक नन्ना सा मेहमान आया है, तो मैं आज आप सभी को अपने उस नन्हे से मेहमान से मिलाना चाहती हूँ। लेकिन मैं उस मेहमान से आपको मिलवाने से पहले ना उसके बारे में एक बात बता दूँ। ये नन्हा सा मेहमान इतना शरारती है कि ये सुबह आ गया था मेरे घर पे। मतलब इसने सुबह से लेके मेरी नाक में इतना दम कर रखा है ना, तो मुझे लगा कि चलो मैं आज अपने फ्रेंड्स, अपने व्यूअर्स को भी इस नन्हे मेहमान से मिलवाती हूँ। हेलो हेलो शिजो, हमारा शिजो। शिजो शिजो तो फ्रेंड्स, शिजो एक्चुअली मेरे दीदी का डॉगी है। और एक्चुअली दीदी को आज कहीं जाना था ना, किसी फंक्शन में जाना था, तो उन्होंने शिजो को मेरे पास छोड़ दिया है। लेकिन इसने तो सुबह से लेके आफत की हुई है, क्योंकि ना बांध के नहीं रखते हैं घर में, खुला रखते हैं। लेकिन मेरे क्या है यहाँ पे, एक्चुअली मेरे घर से नीचे को पूरा जंगल है, तो खुला नहीं रख सकते हम यहाँ पे इसको, क्योंकि अगर ये भाग गया तो आजकल बरसात है, वैसे ही झाड़ियाँ हो गई है बहुत, तो एक तो ये छोटू सा है तो इसको पकड़ नहीं पाएंगे हम, तो और इसलिए इसको ना बहुत संभाल के रखना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको आदत है खुले फ्रीली बिल्कुल घर में घूमने की, तो ये सोच रहा है कि ये इन्होंने मुझे बांध क्यों दिया। एक्चुअली जैसे ये सुबह से आया हुआ है ना, तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो गए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए क्या है ना, बच्चों के लिए तो ये एक टेडी बियर जैसा है। और बच्चे तो बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ, एक छोटा सा टेडी घर में आ गया है। और पता है इसको तंग भी कर रहे हैं बहुत, क्योंकि बच्चे क्या सोच रहे हैं कि इनको ना, ओ एग्री हो रहा है शिजो, शिजो को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली जैसे ये छेड़ी जा रहे हैं ना, इसको कभी मतलब ऐसे हाथ डाल देते हैं इसके ऊपर से या हाथ फेर देते हैं, तो अगर तो बड़ा कोई ऐसा कर रहा है ना, तो ये गुस्सा नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चे इसको तंग करते हैं ना, तो ये चिढ़ जाता है बहुत, तो बच्चों से इसको ना इसलिए बचा के रखना पड़ रहा है। शिशु क्या हुआ? गुआ शिशु को क्या हुआ? लग रहा है ना, हाँ, जो इसके बाल होते हैं ना वो लंबे लंबे हो जाते हैं, बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। नहीं, जैसे लग रहा है जैसे रुई नहीं बांध रखते। हाँ, इसके तो ना जो ये आईज के ऊपर, मुंह के मूछे, मतलब ये सब कुछ इतने लंबे लंबे हो जाएंगे। काट के किया होगा, काटने पड़ते हैं हर महीने, इसकी कटिंग करवानी पड़ती है। तो के खाने पीने में ना हमसे ज़्यादा नखरे हैं, हम लोग भी ऐसे नखरे नहीं करते हैं जितने नखरे ये करता है। एक्चुअली मेरे घर से जो नीचे का व्यू है ना, वो आप पीछे देखो, ऐसा जंगल दिखता है नीचे को, तो इसको क्या है नीचे से जंगल से। हाँ जी बेटा, कैसे गिल्ला हुआ? हाँ, चेंज करो फिर। इसको जंगल से ना आवाज़ें आ रही है जैसे बर्ड्स वगैरह की, तो ये क्या कर रहा है कि फिर भौंक रहा है बहुत ज़्यादा उन आवाज़ों के लिए ना। ये ना बहुत ख़राब है, तो
तो अब इसके लंच का टाइम हो गया है और मैं दीदी से पूछती हूँ एग्जैक्टली कि इसको कितना खाना देना है, सॉरी कितना खाना देना है इसको। लंच में इसको सिर्फ 2 स्पून्स ही फीड डाली है, क्योंकि पता है क्या, इसको सिर्फ वैसे तो सुबह और शाम ही खाना देते हैं, दिन में भी देते हैं पर दिन में कम देते हैं। एक्चुअली अभी जैसे मेरे घर पे है ना, ये तो मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, बार बार जो सामान खुद खा रहे हैं वही चीजें बार बार ये इसको भी एक एक दो दो चीजें हाथों से बार बार खिला रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा ना, ये इसका पेट वैसे ही फुल हो जाएगा तो ओवरफीड हो जाएगी। अब जैसे फीड को डाले हुए 5 मिनट हो गए हैं, इजी लंच टाइम शिजो। जैसे नखरे हमारे बच्चे खाने में करते हैं ना, कि जैसे खाना नहीं खाना, खाना आजकल के बच्चे कहाँ खाना खाते हैं, बस डिट्टो इसकी भी वही एक्टिविटीज़ है कि जो इनकी फीड होती है, खाना होता है वो इसको नहीं खाना है, लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं उसकी इसको स्मेल लगती है ना, ऐसे करता है फिर ऐसे कि वो मुझे भी दो। और जैसे मान लो बच्चे चिप्स लेज कोई भी जंक फूड खा रहे हैं तो उसके लिए तो ये पागल ही हो जाता है बहुत, कि दो मुझे दो, तो और देते हैं तो बहुत खुश होता है, फटाफट 1 मिनट नहीं लगाता ऐसी चीज़ें ख़त्म करने में, और खाने के लिए देखो देख भी नहीं रहा है, मतलब डिट्टो हमारे बच्चों की तरह ही शित्ज़ू भी ड्रामेबाज है पूरा। अभी इसमें थोड़ी सी अगर मैं चपाती मिलाऊंगी ना तो मे भी थोड़ा सा दही वगैरह डाल के, तो देखते हैं मे भी खा ले, खाना खा लो ना शित्ज़ू। नहीं खाऊंगा, ये गंदा खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो वही खाऊंगा जो आप सब खा ले हो, ऐसे ही बोलना चाहते हो ना शित्ज़ू। शित्ज़ू खा लो, अब तो दही भी डाल दिया है शित्ज़ू, खा लो। दही हमारे बच्चे भी ऐसे ही है ना, आप उनको कुछ भी सब्जी दाल दे रहे हो तो वो मना करते हैं कि नहीं हमें नहीं खाना, लेकिन अगर उसी चीज में आप उनको दही डाल के देते हो तो हमारे बच्चे भी खाते हैं ना, तो सेम देख लो इसके भी वही हाल है। जैसे ही मैंने दही डाला, एक्चुअली मुझे दीदी ने बताया था कि अगर वो नहीं खाएगा ना फीड तो एंड में उसमें थोड़ा सा दही डाल देना तो वो खा लेगा। देखा कितना खराब है ये, अब एक्चुअली डॉगीज को छेड़ते नहीं है ना जब वो खाना खा रहे हो, तो इसलिए मैं इसको अभी टच नहीं करूँगी, छेड़ूंगी नहीं, और मैंने इसको क्योंकि खाना खिलाया है तो मैं पहले हैंड वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद हम भी लंच करते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे लंच के बाद। और इसी के साथ ही शित्ज़ू ने 1 मिनट के अंदर अपना सारा का सारा खाना भी चट कर दिया है। हमें ना डॉगी को टच करने से पहले और बाद ना हमेशा हैंड वॉश जरूर करने चाहिए। और उसके बाद मैंने अपना लंच किया और मुझे आदि बोल रहा था कि मम्मा खुद तो इतना सारा खाना खा रहे हो और शित्ज़ू को थोड़ा सा खाना दिया आपने। और खाना खाने के बाद बारिश एक्चुअली बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो शित्ज़ू को हम वॉक पर नहीं ले जा पाए, तो शित्ज़ू वैसे कंट्रोल कर लेता है सुसु पॉटी, तो हमने सोचा कि अब इवनिंग में ही इसे ले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।